उत्तराखंड में श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य की तरफ सरकार ने एक सराहनीय पहल की है। दरअसल श्रम विभाग ने श्रमिक परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा में उनके मनपसंद विषयों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। अब इसी बात को लेकर श्रम विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा BOCW बोर्ड की तरफ से उठाया जाएगा। इसके अलावा शर्तों के मुताबिक बच्चों की पसंद का कॉलेज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और सरकार ने उन विषयों पर कॉलेज में जितनी फीस तय की है उतनी धनराशि श्रमिक बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। BOCW एक बोर्ड है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है। हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए देते हैं, उनके हेल्थ के लिए देते हैं। तो उसमें ये डिस्कशन हुआ हम लोगों का विभाग स्तर पे कि हम लोगों ने कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं, कुछ सीट्स तय की हुई हैं कि अलग अलग कोर्सेज में अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो ये उस पर डिस्कशन के बाद आया। मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो जहाँ भी वो एडमिशन लेना चाहता है, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिस भी लेवल में, जिस भी तरीके की पढ़ाई में, MBBS करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, BTech करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो उसका खर्चा जो है हम बोर्ड से, BOCW जो हमारा है उससे हम बियर करेंगे। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि वो कौन से कोर्स में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहे। हाँ, वो कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए और जो मान्यता मिलती, जो रेगुलेटरी कमीशंस, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो मान्यता देती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज को, वहाँ से उसके पास मान्यता होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने फीस डिसाइड की हुई है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज उनकी फीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्राइवेट कॉलेज की भी, तो जो गवर्नमेंट ने फीस डिसाइड की उतना पैसा बोर्ड देगा। तो जो बच्चे मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट पैसे की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हम लोग प्रयास करते हैं।